कोरोना महामारी के चलते पूरे देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था। ऐसे में सभी लोग नियम का पालन करके इसके लिए कोतवाली पनवाड़ी में धर्म गुरुओं की प्रतिदिन बैठक संपन्न हो रही है। पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के धर्म गुरुओं के साथ प्रतिदिन कोतवाली में बैठक की जाती है और प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपील की गई है कि सभी लोग कानून के नियमों का पालन करें और अपने घरों पर सुरक्षित रहें। बैठक में हिंदू धर्मगुरु पंडित श्री दीपक व्यास और मुस्लिम धर्मगुरु शहरी काजी अब्दुल कादिर सहित प्रधान प्रतिनिधि संजय द्विवेदी, फिरोज हाशमी, राजू नगायच सहित आदि लोग मौजूद रहे। आपका नाम? हाफिज अब्दुल कादिर। कल सभी बारात का दिन है। हमने बस्ती के सभी मुसलमान भाइयों से अपील की है कि शबे बारात के दिन जो भी इबादत करें अपने घर पर करें, नमाज नवाफिल सब घर पर करें, भीड़ इकट्ठा ना करें, कानून का सख्ती से पालन करें। जो वबा कोरोना वायरस जो चल रहा है, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि कानून पर अमल करें और जो हुकूमत ने फैसला किया है उसका पालन करें। इसका उद्देश्य मेन सभी बारात है क्या? इसका मेन उद्देश्य है कि हमारा जो देश आज संक्रामक दौर से गुजर रहा है, उसके लिए ये बैठक प्रतिदिन यहाँ पर थाने पर बुलाई जाती है। इसमें दोनों समुदायों के, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग जो धर्मगुरु होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, जिन्हें लोगों को जागरूक करने के लिए बताया जाता है कि इससे कैसे बचा जाए, लोग अब कानून का पालन करें, अपने अपने घरों में रहें। इसलिए बैठक प्रतिदिन आहूत की जाती है और इसमें आगामी जो मुस्लिम त्यौहार आ रहा है शबे रात, उसके लिए भी एक लोगों से मेरी अपील है कि चूंकि देश संक्रामक दौर से गुजर रहा है, लोग अपने अपने घरों में ही जो नमाज है या जो भी उसमें कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम उनका होता है, वो अपने घरों पे ही करें, बाहर ना निकले, कानून का पालन करें, यही मेरे लोगों से अपील है। रात में जो लोग कब्रिस्तान वगैरह जाते हैं उनके लिए भी बैन है ना? उनके लिए भी पूरी तरह से प्रोविटेड है, पूरी तरह से बैन है कि वो इस बार नहीं जाएंगे ना मस्जिद में, कानून का ना मस्जिद में, ना ही मस्जिद में जाएंगे, वो कानून